मैं चाहता हूँ मुसलमानों के लिए हम नमाज का टाइम हो जाता है तो वो अपने नमाज पढ़ लेते हैं, उसमें कसूर नहीं उतरता हम उसी से। लेकिन ये इन्हें पहली संसद में तो नहीं थी, तो जब ये बनाई है तो मुसलमानों को, हम मुसलमान भी हैं तो उनको नमाज के लिए कुछ जगह देनी चाहिए। सांसद शफीकुर रहमान बर्क इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं। सर, नया संसद है, नए संसद में आप लोग ने कदम रखा है, जो सुविधाएं यहां पर दी गई हैं उसको लेकर के आप क्या कहते हैं? सुविधाएं ठीक है, अच्छी, अच्छा हुआ है जो यहाँ सांसद पहले सांसद से बड़ी है, उसमें फैसिलिटी भी तो बड़ी हुई है, ये ठीक है। ये तो हमारे देश की सांसद सबकी है। आप क्या चाहते हैं सर, क्या होना चाहिए? देश के लिए काम करना है, उसकी यहाँ की जनता की भलाई के लिए, नाम से नफरत न फैलाई। गाड़ी कूटे तो गाड़ी गवर्नमेंट काम। आपने ये कहा कि नए संसद में नमाज होनी चाहिए, क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ मुसलमानों के लिए हम नमाज का टाइम हो जाता है तो वो अपने नमाज पढ़ लेते हैं, उसमें कसूर नहीं उतरता हम उसी से। लेकिन ये इन्हें पहली संसद में तो नहीं थी, तो जब ये बनाई है तो मुसलमानों को, हम मुसलमान भी एम पी बनकर आते हैं, तो उनको नमाज के लिए कुछ जगह देनी चाहिए, ये कमरा बना रहना चाहिए रहेगा हम उसी से नमाज। लेकिन लोकतंत्र का मंदिर है और अगर नमाज के लिए अलग जगह की आप मांग कर रहे हैं तो दूसरे धर्म के लोग भी ऐसे ही मांग करेंगे? हमें तो उनसे कोई वो कुछ कर रहे हैं उसके लिए मांग करते हैं, इसमें उनसे कोई बहस नहीं कर रहे, तो अपनी बात नहीं है। ऐसा कमरा वगैरह जिसमें सुई हो और खामोशी थोड़ा सा टाइम कर लगता, यानी आप चाहते हैं कि नमाज के लिए एक अलग से जगह नए संसद भवन में दी जाए, सरकार से इसके लिए आप मांग करेंगे? क्या आप पीएम को लिखेंगे इसको बात से बात को लेकर? बिल्कुल। तो शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से कहा जा रहा है कि नए संसद भवन में नमाज के लिए अलग से कमरा किया जाना चाहिए, अलग से जगह दिया जाना चाहिए, इस बात की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। कहा जा रहा है कि सदन के अंदर भी इस बात को उठाएंगे।